2 बजने वाला है अप्रोक्स और हम लोग टेंपल की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे अभी जो सेरेमनी है वो स्टार्ट होने वाली है और एज यू कैन सी मेला एकदम चहल पहल होने लगी है, हैपनिंग होने लगा है, सारी दुकानें वगैरह खुल गई हैं। तो पहले टेंपल जाते हैं और वहाँ देखते हैं जो कल्चर है यहाँ का वो आपको देखने को मिलने वाला है। बोलो ये टूरिस्ट आके यहाँ पे लोकल डेलिकेसीज ट्राई कर रहे हैं। मैम आप कहाँ से आए हो? दिल्ली से। दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली से आए हैं और हम गर्मा गर्म भजिया खा रहे हैं। यहाँ पे भजिया नहीं, पकौड़े होते हैं। तो गाइस जैसा कि मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पे अभी प्रिपरेशन पूरी हो गई है। यहाँ पे अभी फोक डांस होने वाला है। ये फेस्टिवल इसका बहुत महत्व है यहाँ पे और अभी यहाँ पे जो लोकल औरतें हैं यहाँ पे फोक डांस करेंगी वो आपको देखने को मिलने वाला है। सारे इसमें यहाँ की जो लोकल पोशाक है उसमें आ गई है और काफ़ी एक अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है। अभी सारे लोग बीच में बैठ गए हैं और जो औरतें हैं ट्रेडिशनल फोक डांस करते हुए चारों तरफ से 2 राउंड लगाएंगी। तो गाइस फेस्टिवल ओवर हो गया है, कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं वापस कैंप साइट पे। भूख भी बहुत तेज़ की लगी है बिकॉज फेस्टिवल के टाइम में लंच भी था तो हमने लंच स्किप कर दिया था। अभी जाके हम लंच करते हैं, बहुत तेज़ की भूख लगी हुई है। फिर उसके बाद थोड़ा चिलविल मारेंगे और थोड़ा आसपास घूम लेंगे। लंच वगैरह करके मुझे अचानक से याद आया कि ना मुझे अर्जुन छाल लेनी थी। तो यहाँ पे क्या होता है ना, फेस्टिवल में लोग बाहर से भी आते हैं अपना सामान वगैरह बेचने के लिए। तो कोई एक आंटी आई हुई थी जड़ी बूटियाँ वगैरह बेचने के लिए, तो अभी मैं गया था वहाँ और अभी वहाँ से वापस आ रहा हूँ और बारिश स्टार्ट हो गई है। समझ लो मतलब वेदर इतना अनप्रेडिक्टेबल है। अभी थोड़ी देर पहले देखा होगा कि धूप खिली हुई थी और देखो। तो बस यही है, आज हम डिनर वगैरह करके सो जाएंगे बिकॉज हमें कल अर्ली मॉर्निंग निकलना है यहाँ से। तो इसके बाद जो है जर्नी रुकने वाली नहीं है। इसके बाद मैं यहाँ से मनाली जाने का प्लान कर रहा हूँ, देखते हैं, अभी फिक्स नहीं हुआ है। लेट्स सी, आप लोगों को पता लग जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इसलिए वीडियो को देखते रहें। मनाली एक्सप्लोर करेंगे, पूरा वीक में आ रहूँगा मनाली के साथ साथ देखूंगा और क्या क्या वहाँ पे कैफ़ेज़ वगैरह हैं, सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। सो स्टे ट्यून। और अगर आप लोगों को ये फेस्टिवल अच्छा लगा, यहाँ की वाइब्स अच्छी लगी तो यहाँ ज़रूर आएँ। कैंप साइट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के, है ना। और बाकी इस सीरीज़ की बाकी वीडियो देखने के लिए भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी तो लाइक कर देना यार, अगर बहुत अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय। तो गाइस ये था राजा जी का पदम पैलेस। अगर आप लोग रामपुर में कुछ टाइम के लिए रुके हो, आपको कुछ टाइम पास करना है या फिर कुछ अच्छी चीज़ देखने को घूमना है तो ये एक अच्छी जगह हो सकती है।